click the subscribe button and hit the bell icon for our latest updates. जी मैम बताइए आप यहाँ पे कैसे बैठे? हम आंगनवाड़ी वर्कर हैं और सर 2 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। 2 महीने से हम डीसी ऑफिस भी जा चुके हैं, सोशल वेलफेयर दफ्तर भी जा चुके हैं, नाइम माजूर से भी मिले हैं। तो हमारी मांग ये है कि जो हमारी कुछ प्रोजेक्टों में जो पे बंद है वो पे रिलीज़ कराई जाए। उसके बाद ये हमारी जो मांगे हैं जो 3700 पे हमें लटका के रखा है, मैं हर अहदेदार और गवर्नमेंट से और सरकार से ये कहना चाहूँगी कि ये जो हमारा 3700 का मजाक बना के रखा है, बहुत अरसा हमने 30 साल 3700 पे गुजारा कर लिया है, लेकिन अब बहुत महंग पाई है। सब्जियाँ 40 रुपये से कम नहीं है, दालें 100 रुपये से कम नहीं है, तो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनका खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है। तो नाम तो हमें मुलाजम का रखा गया, आंगनवाड़ी मुलाजम, जितना काम हम कर रहे हैं शायद कोई मुलाजम ना करता हो। आंगनवाड़ी वर्कर जो है चलता फिरता डीसी ऑफिस है, लेकिन हम गवर्नमेंट के वो पिलर हैं जिस पे पूरी गवर्नमेंट खड़ी है। लेकिन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी, हमारी उजरत जो है बेटी का ये खाना जो हराम खा रहे हो आप हमारा, तो ये मत खाओ। 16 रजिस्टर हम बना रहे हैं, अगर हम मजदूरी कहीं करते तो 500 रुपया कमाते। गवर्नमेंट को ये गुजारिश करूँगी कि 40 साल का मजाक आप छोड़ के हमारी पे बढ़ाई जाए और हमारे पे नजर की जाए और जो बंद पे है वो लड़की को दी जाए और ना हक तंग मत कीजिए। ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ।